Hi guys. Welcome back to our channel That Pretty Couple. कैसे हो आप सब? So आज हम लोग निकले हैं अमृतसर के लिए. तो हमारा एक्चुअली ऑफ होता है तो हम लोग बहुत बोर हो रहे थे. हमने सोचा हम कहीं चलते हैं बट हमारा कुछ प्लानिंग नहीं हो पा रही थी तो हमने सोचा लास्ट मिनट अपनी गाड़ी से चलते हैं अमृतसर. तो हम लोगों ने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि हम अमृतसर जाएंगे. तो ये दर्श की पहली रोड ट्रिप होने वाली है, वो भी लॉन्ग जर्नी. 8 hours कुछ दिखा रहा था कि लगेंगे. लेट्स सी कि अब कैसा रहता है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू ट्रैवल. बट हमने पूरा इसका बंदोबस्त कर रखा है और मैं आप लोगों के साथ एक एसेंशियल चेकलिस्ट भी शेयर करूंगी कि आप अगर अपने इन्फेंट्स को लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या क्या पैक कर सकते हैं, क्या क्या ले जा सकते हैं, क्योंकि इट्स मस्ट फॉर अ किड. और ऊपर से ठंड भी हो रही है तो हम लोग पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. बट एक अच्छी चीज आज ये हुई है कि सुबह सुबह धूप निकल गई, 7 बजे समथिंग धूप निकल गई थी. तो हम लोग अब थोड़ा सा लेट हो गए हैं. यस हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और दर्श भी बहुत एक्साइटेड है, आप लोग देख सकते हो. तो अब हम निकलते हैं और बाकी व्लॉग्स भी मैं आप लोगों के लिए लिंक कर दूंगी इससे पहले जो मैंने दिखाए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह के, और आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. चलो फिर चलते हैं दर्श के साथ. और चलने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम देखते हैं कि आप लोग वीडियोस देखते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज दर्श के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए. और अब मैं यहाँ से अपनी ट्रिप को दोबारा से रीसेट कर रहा हूँ क्योंकि अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा कितना डिस्टेंस है और साथ में हमारी गाड़ी कितनी एवरेज देती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और मौसम अगर बात करें तो आज बहुत ही सुहावनी धूप है, मजेदार मौसम है रोड ट्रिप के लिए. आई होप कि हमें अच्छे नज़ारे देखने को मिले पूरे रास्ते. सो लेट्स गो. किधर जा रहे हैं हम? तो ये हमने दर्श का सेटअप किया है इधर, हम उसका कंबल वगैरह लेके आए हूँ. वो इधर सीट पे पूरा आराम से सो जाएगा. ये बकेट सीट्स हैं तो ये अच्छी बात है कि वो गिरेगा नहीं, थोड़ा सा डीप होती है इस तरफ. अब उसको सोने का टाइम हो गया तो थोड़ी देर में सो ही जाएगा. क्या रीडर लगा रखे भाई, पकड़ते ही ना है. क्या था ये पीछे? कुछ प्रसाद मिला. सरदार लोग बहुत सेवा करते हैं, उसका एग्जांपल है गर्मा गर्म चाय और बिस्किट. हम पंजाब पहुंच गए हैं और ये हाईवे में बहुत सारे कट हैं जो कि डेंजरस है. हाय गाइस, तो अब हम यहाँ पे संगरूर पंजाब में पहुँच चुके हैं. अभी हमें 2.5 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए, 2.5-3 घंटे. हमने ऑलमोस्ट हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली है विच इज़ अबाउट 200 किलोमीटर्स, और फर्दर 200 किलोमीटर्स हमें जाना. थैंक्स टू गडकरी जी, बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं और ये सेकेंड रोड ट्रिप है जिसमें मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी रोड्स को. और एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा रहा. वो अबाउट यू? गुड. हम तो पीछे ही बैठे हुए थे दर्श की वजह से. दर्श सो लिया है, दर्श ने लंच कर लिया है, दर्श बड़ा एंजॉय कर रहा है. तो रास्ते में हमने बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे देखे, बहुत ही सुंदर लग रहा था. फिर हमें ना आर्मी का एक कारवा देखने के लिए मिला, बहुत सारे ट्रक्स जा रहे थे. फिर हमें रास्ते में ना एक प्लेन सा दिखा और पता नहीं वो क्या था, कमेंट करके पता नहीं क्या था. वीर जी, वीर जी, हो क्या रहा है भाई? हो क्या रहा है? बहुत सारी जगह मैंने देखा लंगर बैठता हूँ. ए माने के साहब जाते नहीं चार जी? हाँ जी, चार साहब जाते. हाँ हाँ हाँ, चार साहब. नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए दोस्त. ओके थैंक यू. गाइस हम जब से पंजाब में घुसे हैं हमें 10-12 से ऊपर मिल चुके होंगे. 50. अभी हमें क्या मिला? मट्टी.
हम बिस्किट मट्ठी चाय खाते हुए आ रहे हैं। समोसे चावल, समोसे चावल, ये ना चार साहिबजादों का कुछ हो रहा है, मतलब अब उनकी डेथ एनिवर्सरी है कि उनका बर्थडे एनिवर्सरी है। ओके, जो चार साहिबजादे थे आज के दिन कुछ हुआ था, तो अभी हमें देखना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। We don't know exactly. तो हम तो मजे करते हुए जा रहे हैं रास्ते में, खूब लंगर बढ़ रहा है। पंजाब की खासियत है लंगर, घुसते ही लंगर, घुसते ही लंगर मिला आज हमें, मजा आ गया। तो गाइस अब फाइनली हमने अपना पहला ब्रेक लिया है, जो कि आफ्टर 400 प्लस किलोमीटर्स के बाद हमने पहला ब्रेक लिया, लंच ब्रेक। अब यहाँ से अमृतसर इज जस्ट 60 किलोमीटर्स अवे। हम यहाँ पे एक जलसा रेस्टोरेंट है, इस पे रुके। ही इज आल्सो हंग्री। तो हम जलसा रेस्टोरेंट पे रुके हैं, जो कि अमृतसर से 60 किलोमीटर पहले, और यहाँ से अब हम आगे खाना खा के जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। कितना खुश हो रहा है। ये सामने आपकी बेकरी है क्या? कॉफी लेना सर। कैफे कॉफी वगैरह मिलती है? हाँ। इसी में है उसका मेन्यू में? हाँ जी, आगे। अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों? जी, ऑल की। व्हाट आइसक्रीम? व्हाट दशु, व्हाट यू वांट? अच्छो, यू वांट एवरीथिंग इन द मेन्यू? क्या ऑर्डर कर रहे हैं फिर हम? कुछ लाइट, जैसे कि ये फ्रेंच फ्राइज, हनी पोटैटो, ऐसा कुछ। आई वांट अ कॉफी और उसके साथ में कुछ है। मील नहीं, अभी नहीं, मील तो हम वहीं जाके खाएंगे। हाँ, आज हमारे ढाबे की पहली डिश आ चुकी है, चिली पटेटो, और अब ज्योति खा के बताएगी कैसा लगा। शक्ल तो अच्छी नहीं बता रही है। सो है, और इनका प्राइस है 300 रुपए, तो डेफिनेटली इट्स नॉट रेकमेंडेड। इट्स लाइक फ्रेंच फ्राइज को बस वो करके दे, सॉटे करके दे दिया। आई मीन स्पाइसी नहीं है और हनी भी लग रहा है। अच्छा, हनी है, जबकि हमने मना किया। और ये हमारा शाम का आ गया दूसरा डिश, विच इज़ फ्राइड राइस। चिली पटेटो तो हमने वापस कर दिया स्पाइसी करने के लिए। ज्योति, कैसे लगे फ्राइड राइस? और ये आ गई हॉट कॉफी। दर्श को भी कुछ खाना है पर वो कुछ नहीं खा सकता है। चलो हम ये फिनिश करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं आगे। ओके ज्योति, खाना कैसा लगा? बिल कितने का आया पहले ये बता। बिल इज अराउंड 629, टू मच फॉर थ्री थिंग्स, एंड स्पेशली कॉफी में तो पूरी मलाई की, आई हेट मलाई। और खाने का टेस्ट? सिर्फ फ्राइड राइस अच्छे थे, और चलो फिर चलते हैं आगे अमृतसर की तरफ और देखते हैं होटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। रुके हो यार, पहले ही ब्रेक लिया यार। अच्छा, बड़ी दुकान फीके पकवान वाली बात है यहाँ पे। ये दारू, कच्ची दारू इनकी नहीं उतर रही। क्या हुआ लाइट? ये 6:30 घंटे में हम अमृतसर पहुंच गए। हम अमृतसर पहुंचते हुए बाजी, अब अमृतसर पहुंच गए। कैसा लग रहा है भाई जी? पहुंच गए 18 किलोमीटर्स ओनली, 6.5 आवर्स ऑफ ड्राइव, ग्रेट। वेलकम टू दी अमृतसर।